की परिभाषा में प्रारंभ में आया था, ये आपके दैनिक नित्य कर्म का प्रारंभ है। आपने टिकट बुक करवा ली और बुक करवा करके यदि घर पर ही सो गए तो आप अपने गंतव्य या लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। यदि हम दैनिक अग्निहोत्री हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं, तो केवल मात्र अग्निहोत्र तक सीमित न रहे अपितु इस यज्ञ को जीवन में धारण कर ले, तभी हम सच्चे याज्ञिक बन सकते हैं और फिर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब जीवन में इस अग्निहोत्र को मैं कैसे धारण करूं? एक बार एक गलती की मैंने, आचार्य चंद्रदेव जी उत्तर प्रदेश वो आए, उन्होंने पर्चा छपा हुआ देखा, कहने लगे कि ये महायज्ञ क्यों लिखा? मैंने जी क्या उनकुंडीय कर रहे हैं, इसलिए महायज्ञ लिख दिया है, बड़ा है ना, इसीलिए महा लिख दिया। कहने लगे बस केवल मात्र इसीलिए आपने इसे महायज्ञ लिख दिया? मैं दैनिक एक कुंड पे यज्ञ करता हूं, वह भी महायज्ञ नहीं होता, 51 कुंडी भी महायज्ञ नहीं होगा। महायज्ञ तब बनेगा जब हम महर्षि देव दयानंद द्वारा दैनिक कार्यों के रूप में, नित्य कर्म के रूप में बतलाए गए पांचों यज्ञों का पालन करेंगे। कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ जो अग्निहोत्र, उसके उपरांत पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवैश्य देव यज्ञ। ठीक है, इन पांचों यज्ञों को यदि हम मिला करके दैनिक नित्य कर्म के रूप में करेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हमने महायज्ञ किया।